सुनिए, ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स का मतलब होता है जब भी आप अपने बिजनेस का कोई गुड्स सामान अपने पर्सनल खर्च के लिए निकालोगे तो वो आपकी कैपिटल में से माइनस होगा, उस चीज को हम बोलते हैं ड्राइंग्स। अब हो सकता है कि आप सामान यूज कर लो या आप तिजोरी में से पैसे निकाल लो, तिजोरी मतलब काउंटर में से, जैसे मेरी शॉप है तो शॉप में जो पैसे आते हैं मैं अपने गुल्लक में रखता हूँ, और हो सकता है मुझे जूते लेने थे तो मैंने 300 रुपये निकाल लिए, तो जो 300 निकाले वो भी ड्राइंग्स है। और अगर मेरी शॉप है और 2 किलो आटा मैंने बेचना करके घर के लिए बेच दिया तो वो भी मेरी ड्राइंग्स है। तो गुड्स या तो ड्राइंग्स गुड्स से हो सकती है ड्राइंग्स, या कैश से हो सकती है, चाहे कैश से हो चाहे गुड्स से हो, दोनों में कहाँ से माइनस होगी? कैपिटल में से। लेकिन अगर कैश निकाला है तो कैश भी तो माइनस होगा, और अगर गुड्स निकाली है तो कहां से माइनस होगा? परचेज में से माइनस होगा। ये याद रखना, जब भी गुड्स निकालोगे तो ड्राइंग कहां से माइनस होगी? परचेज में से, और कैपिटल से तो होगा ही होगा। तो सर इसका मतलब ये हुआ जितनी एडजस्टमेंट्स होती हैं उनका हमेशा ड्यूअल इफेक्ट होता है, यानी वो दो अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगी मिनिमम। जैसे आप देख लो अभी तक क्लोजिंग स्टॉक यहां भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आता है, बैड डेट्स का ट्रीटमेंट यहां भी हुआ, मतलब डबल एंट्री बुक कीपिंग यहां भी चलेगी, एक जगह इफेक्ट नहीं करेगी इसमें, दो जगह। तो ड्राइंग्स भी ऐसे ही है, गुड्स निकाला परचेज माइनस कैपिटल माइनस, कैश निकाला कैश माइनस कैपिटल माइनस। अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, अकाउंटिंग इक्वेशन ये प्लस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये माइनस, हमेशा टैली होगा, राइट?